राहुल मयंक की जोड़ी ने किया ऐसा जो आज तक दिल्ली के खिलाफ कोई ना कर सका। दुनिया की सबसे बड़ी रंगारंग इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के पहले डबल हेडर का दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा था, जिसमें पंजाब के कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया था जो अभी तक आईपीएल इतिहास में कोई नहीं कर सका था। दोस्तों, अगर आप भी राहुल मयंक की जोड़ी के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल मैच में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाज का फैसला किया था, जिसे पंजाब के बल्लेबाज राहुल और मयंक ने पूरी तरह से गलत साबित कर दिया था। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ताबड़तोड़ शुरुआत करने के साथ 12.4 ओवर में 122 रनों की ओपनिंग साझेदारी निभाई, जिसके चलते दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के खिलाफ आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक रनों की ओपनिंग साझेदारी करने वाले बल्लेबाज राहुल और मयंक बन गए थे। इससे पहले साल 2016 में ब्रेंडन मैकुलम और ग्वेन स्मिथ के बीच 112 रनों की ओपनिंग साझेदारी दिल्ली के खिलाफ सबसे अधिक रनों की पार्टनरशिप थी, जिस रिकॉर्ड को राहुल मयंक की जोड़ी ने ध्वस्त कर दिया। इस तरह मयंक अग्रवाल जहां 36 गेंदों में 69 रन बनाकर चलते बने, तो वहीं उनके थोड़ी देर बाद कप्तान राहुल भी 51 गेंदों में 61 रन की पारी खेलकर चलते बने थे। इस तरह पंजाब की टीम को इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी से एक अच्छी शुरुआत मिली थी, जिसे वो दिल्ली के खिलाफ बड़े स्कोर में बदलना चाहते थे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।